So what's up everybody, this is me Satyan Sharma. I hope all of you are doing great. आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि JEE Mains 2022 की एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती हैं, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट होंगे, क्या स्कोर हमें टारगेट करना चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए और क्या 75 परसेंट क्राइटेरिया रिमूव होगा या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले मैं बताना चाहूँगा कि JEE एडवांस 2020 का रिजल्ट 5th अक्टूबर को आया था और JEE Mains 2021 24th से 26th फेब के बीच में हुआ था और JEE एडवांस 2021 का रिजल्ट 15th अक्टूबर को आने वाला है. तो अगेन यू कैन एक्सपेक्ट योर JEE Mains 2022 टू बी अराउंड 25th फेब और मे बी अ बिट लेटर, मे बी इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. ये तो एक्सपेक्टेड डेट्स की बात हो गई. और अगर बात करें स्कोर फॉर 99 परसेंटाइल, तो जो JEE Mains 2021 में फेब अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल का एक एवरेज स्कोर गया था, अगर मैं एक दो ईजी अटेम्प्ट को हटा दूँ तो वो अराउंड 200 टू 205 गया था और इनफैक्ट डिफिकल्ट में तो 185 के आसपास गया था. सो द टारगेट शुड बी अराउंड 205 सो दैट अगर कुछ डिफिकल्ट पेपर भी आता है तो नंबर कम भी होते हैं तो हमारे परसेंटाइल पे कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आता है. और अगर बात करें 75% क्राइटेरिया की, तो देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने ड्रॉप करने का प्लान बना लिया है बिकॉज उनके 75% से कम आए हैं बोर्ड्स 2021 में. क्यों? बिकॉज बोर्ड्स 2021 में 30-30-40 वाली स्कीम जो फॉलो हुई है उससे जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है. जो कुछ डिज़ायर्ड कैंडिडेट्स थे उनको उतने मार्क्स नहीं मिले और जो नॉन, मतलब जिनको कुछ लोगों को ज़्यादा मार्क्स मिल गए हैं एक्सपेक्टेड से, तो देर आर 90-95% चांसेस कि ड्रॉपर्स के लिए 75% क्राइटेरिया रिमूव हो जाएगा और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आई डोंट थिंक ये क्राइटेरिया रिमूव होने वाला है बिकॉज इस बार तो दो टर्म्स में एग्जाम लिया जाएगा. सो देयर वुड बी द सेम 75% क्राइटेरिया फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट द अटेम्प्ट दैट यू शुड टारगेट इज प्रोबेबली द फर्स्ट अटेम्प्ट. दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स बिकॉज उनके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा कम रहता है क्योंकि 12th वालों को बोर्ड और JEE दोनों मैनेज करके इस साल चलना पड़ेगा. इन लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था बट क्योंकि बोर्ड बाद में नहीं हुआ तो जो जुलाई और अगस्त वाले अटेम्प्ट थे उसमें हम लोग फ्री हो गए थे. बट इस बार बोर्ड भी मैनेज करना है, JEE भी मैनेज करना है, तो वो सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए पहले अटेम्प्ट में ड्रॉपर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदा है. सो दैट्स ऑल.